वालेकुम भाइयों, आज भाई दो तीन दिन गुजर गए हैं, ठीक है। और आगे शो है कल, और आपका भाई अभी गाड़ी हम लोगों ने शोरूम से निकाली है, ठीक है। अब बस ये है कि इसका टायर उनसे थोड़े से नाजुक है, होप सो में उतना इंजॉय ना करा पाएँ ऑटो शो के लिए। इस वजह से हम लोग उनसे सोच रहे हैं कि मतलब कि टायर को देखें तो जाके। अब पहले एक तो चार्ली की ऐनक है बकास के पास, वो लेनी है, और उसके बाद टायर शॉप पे चलते हैं, जाके देखते हैं कोई टायर देखते हैं इसके लिए। यार पता है मसला क्या है, ये देखो स्टीयरिंग कैसे है, स्टीयरिंग की अलाइनमेंट में कराता हूँ, फिर जब डिफ्ट करता हूँ दोबारा टेढ़ा हो जाता है। मसले हैं भाई, इसको निकालोगे तो मसला शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है। गाड़ी की चीज़ें ले लेते हैं थोड़ी बहुत, एक कपड़े बस लिया, जूस वूस लेते हैं यहाँ से, फिर निकलते हैं बाहर। ये चीज़ें ले ली हैं, ठीक है। और अभी गाड़ी में हम लोग बैठे हुए हैं, अब बस लेकर रहा हूँ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है, ठीक। क्या हाल है भाई? व्लॉग कब आएगा? व्लॉग आज, आज ही आएगा, आज नहीं सॉरी कल आएगा, क्योंकि कल ऑटो शो है ना। ये कौन सी गाड़ी है? हां ये इसको पता है, पिछले वाले को पता है, इसको बता देना, ठीक है। व्लॉग बना रहे हैं, ये बनती है ठीक। भाइयों अब बस यहाँ से निकलना है और जाते हैं, टायर लेते हैं भाई, कल गाड़ी तो घुमानी भी तो है, तो अब चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। यार क्या है, मैं तो देख लो चार्ली साहब के काम देख रहे हैं ना, क्या करें। तो भाइयों प्रोटोकॉल रखा हुआ है, प्रोटोकॉल रखा हुआ है, इस तरह के लोग आपकी जिंदगी में आपको मिलेंगे, लेकिन उन पर कभी ट्रस्ट ना करना, ठीक है। और अगर ट्रस्ट कर भी लिया तो बंदा वड़वाड़ देंगे वो, ठीक है। और अगर रास्ता रोके नहीं रुकना, जाने दो, क्योंकि इन्होंने बोलते रहना है। अभी भाई टायर वाली शॉप पे जाने लगा हूँ मैं, लेकिन मेरा दिल है साथ अब्दुल मजीद साहब को ले लें, वो भी आप लोगों को मैं अभी उसको लेके तो फिर चलते हैं। कहते मैं नीचे मार्केट में, मैंने कहा चल ठीक है, मैं अभी तेरे पास आ रहा हूँ, फिर पिक करता हूँ, उसके बाद चलते हैं हमारे उधर जाके देखते हैं, उसको पिक करना है बस। ओहो बच्चे मन के सच्चे भाई, सीन ये है कि हमने कहा कि भाई इसको खड़ा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये खूह है एक तरह से, ठीक है, खूह उस तरह भी है। और दूसरे नंबर पे ये है कि वहाँ पे जाएगी भी नहीं जहाँ पे हम लोगों ने भी जाना है। अभी पहले उस गाड़ी दूसरी गाड़ी पर चलते हैं, ठीक है, जाके अभी इसको लॉक कैसे करूँगा, इस पर चलते हैं, ठीक है, जाके तो टायर वगैरह देखते हैं कि क्या चक्कर है, कहाँ तक, अब ये किधर गया, ओए चल ना बता सा तो सी, मैं हाथ जलता हूँ। One eternity later. बंदा पे दाढ़ी बनाने लग पड़ा है, ठीक है, बनाने नहीं काम कर रहा है ये बंदा, चौदह दाढ़ी आई नहीं, क्यों बनवा रहा है, तू भी काट रहा है। मैं भी अपने शौक पूरा कर रहा क्रिकेट कौन सा नंबर मार रहा है ये भाई, दोनों भाई हैं ये, दोनों भाई हैं, जिस शादी पे आज नहीं जा रहा उस पे घूम गया था ये, ठीक है, आज फिर जाकर घूम जाएगा, दोबारा घूम जाएगा, गोद से गिर गया था, गोद से गिर गया था भाई वो घंटे बाद, ठीक है। इस भाई ने दाढ़ी शाड़ी बनवा के दी हमें, शुक्र है इसने पहला गियर लगाया, अभी पहला गियर भी नहीं लगाया, पहला गियर रिवर्स लगा दिए पहले देख ये सबसे पहले होते ना, ये बहुत लोगों को नहीं पता, अभी भाई पहले से भी पहले होते, लगता पीछे है ना लगता पीछे है पहला, हाँ है पहला, लगता पीछे है, वही ना तेरे पीछे लग गया ना, अब ये देख अभी आगे लगा रहा तू, अभी भी पीछे लगे ये आगे को नजर ही नहीं आ रहा, इतना गंदा है इसने पेपर, ये देखो यहाँ से तुम गंदा पेपर नहीं है भाई, ये देखो 50% है, 50% है, नजर तो नहीं आ रहा, समझते हो, चुप कर मैं चुप बड़ी बात कर दी तेरे से, बड़ी बात कर दी भाई, अभी टायर देखने जा रहे हैं, मुझे लगता है बंद ही हो जाएगा जितना, अच्छा बाहर रोशनी है यहाँ पे अंधेरा है, ठीक है, बाहर मुझे नजर ही नहीं आ रहा है, पेपर ही 50% लगाया हुआ, अब रात हो गई है भाई, ठीक है, देखो रात हो गई, गाड़ी में रात हो गई, गाड़ी में रात हो गई, बाहर सुबह गाड़ी में रात, हां पर पेपर सारे लगे हुए हैं, समझ नहीं आ रही कि भाई बाहर रात है सुबह क्या है, ये भाई भाई सुबह रात को भाई क्या है, बाहर अभी हो, व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, आगे गड्डी आई, आगे देख तीन डब्बे, हां तीन डब्बे, ये रेशा है तेरी गाड़ी, रेशा है ये, ऊपर रेशा है, कोई नजर ही नहीं आ रहा आर पार, आगे देखते हैं टायर, अल्लाह करे हमें मिल जाए टायर शो पे जाए,
टायर शॉप इंग्लिश बोल रहा हूँ ब्रो ब्रो इंग्लिश बोल रहा हूँ यार अरबी आजा आजा क्या जा रहा है आजा 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 ये ला टायर हो अच्छा मैं टायर लेने जा रहा हूँ अरबी में क्या बोलेगा अपने मुंह से अपने आप को क्या बोल रहा है कफर है वो काफिर है ओए हमारे साथ अहमद भाई भी है हेलो मुझे अब याद आई अहमद भाई आप सोए क्यों मेरा थका अहमद भाई पीछे कपड़े पड़े हैं नहीं अभी अभी लोगों को दिखा बैर ये देखो भाई भाई रोशनी है और अंदर इसने अंधेरा करके दिया है हमें चलो कोई बात नहीं ठीक है ठीक है इस बात का नहीं पता ये वही वाला काम हो रहा है जो तेरे साथ हुआ था कुछ टाइम पहले शक्ल मेरी भूल गई होगी आपको क्योंकि मैंने बाल कटा दिए भूल गई है नहीं भूली चलो शुक्र है 2000 years later भाई टायर नए ले लिए ठीक है और अभी कैमरा भी नया लगा दे यार मेरे देख के सर ओवर ओवर कर रहा है ओवर क्या कर रहा है आवाज तुझे कहां से आ रही है ओवर नहीं है मतलब वो मैं तुझे वर्बली बता रहा हूं ना अच्छा मगोड़ ये लोग और बहुत करीब से दिखाऊंगा मैं इनको मगोड़ वो देखी खुश ना जावी पेपर तूने लगवा रही है गाड़ी तो चलती नहीं है क्यों नहीं चलती यार मैंने शादी पे जाना है इधर मुझे टायर शॉप पे ले आया शादी हां इसको दो कौन से काम आते हैं इसको एक तो भाई इससे लाइट एजेंसी है फॉग लाइट है चिट्ठी है शर्ट लगाता है चिट्ठी हो गया अभी शर्ट लगाता है चिट्ठी क्या बटन दबाएगा पीली भी हो जाएगी नहीं नहीं दबाऊंगा भाई इससे दो काम करा लो मैंने आपको पहले भी बताया या पबजी में स्क्वाड के दरमियान में ब्रेक मरा के मरवा लो ठीक है या तो रिवाइव मांगो रिवाइव नहीं देगा ठीक है और पीली लाइटें लगवा लो पीली नहीं नीली 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 लाइट है ये भाई फोग लाइट है ये भाई ने तीन कलर वाली कराई हुई है एक पीली है एक चिट्टी है निकली है अभी दिखाते हैं दिखाते नजर ही नहीं आएगा कि पेपर इतना ज्यादा लगा चिट्टी मैंने दिखाऊंगा ही नहीं मैं दिखा दूं वैसे मेरे पास पुरानी वीडियोस है वीडियो में तो क्या बनाते हैं गाड़ी की ठीक है रील बनाते हैं गाड़ी अपनी भी खड़ी कर मैं अपनी भी खड़ी करता हूँ ठीक है और वीडियो बनाते हैं इसने भाई पहले बटन दबाया येलो हुई है फिर बटन दबाया व्हाइट हुई है फिर बटन दबाया ब्लू करके भाई ने वीडियो बनवाई है पता इनको मेरी गाड़ी का कलर पसंद है क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ठीक है और बटन दबाएगा बटन दबा जरा बटन दबा लेट ना मार ये देखो व्हाइट भी होती है पीली भी ये भाई जादू रखा हुआ है हमने ये किसी किसी गाड़ी में हम लगाते होते हैं और एक सेट पे हमने इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है ना वहाँ पे तारे नहीं पहुंचती सुराख करना पड़ता तब हम लोगों ने नहीं लगवाई अंधेरा कर दिया कुत्ता तूने ये लगाना दो टायर ये ठीक है और दो टायर इन भाई ने पकड़े हुए ये अब ये है कि सीन के कल अहमद भी कह रहा है कि मतलब कि कल शो पे जाएगा तो शायद तुझे कुछ जुनून जाके और तू ड्रिफ्ट के लिए सोचे तो वो ये है कि वो वाले टायरों पे ड्रिफ्ट कर लेंगे फिर आके ये टायर डलवा लेंगे क्यों मत भाई ऐसा ही है क्योंकि इस पे ड्रिफ्ट करना फजूल है अभी परचेज के देख रहे हैं न्यू परचेसिंग ओए न्यू परचेसिंग किया भाई हमने न्यू परचेसिंग न्यू इन्वेस्टमेंट ये भी आप जा रहे हैं इन्हें बोल न्यू इन्वेस्टमेंट किया भाई ओए ये गंदी हरकत की है भाई अरबी होगा तो ये काम करोगे तुम शर्म नहीं आती सो अरेबिक बिहेवियर मेरा नहीं है तेरा है दाढ़ी भी ठीक करवानी है अभी मेरा दिल है उधर मैं थोड़ी सी दाढ़ी भी सेट करवा लूं इधर है ही नहीं ये क्या नहीं है दाढ़ी पुता तेरे से बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह तू तो बहन जे तेरी है ही नहीं तू तो फिर भी रगड़ाई जा रहा है अभी जाके गाड़ी के पास जाते हैं वहीं पे सामने दाढ़ी शाड़ी सेट करवाते हैं कल के लिए रेडी होते हैं ठीक है बाकी अहमद भी आएगा कल और मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ आप लोग वहाँ पे हो गए कोई ना कोई होगा तो वो देख लेगा कि भाई वहाँ पे अहमद आया है नहीं आया बाकी ये है कि चिल सीन है जाते हैं जाके दाढ़ी वगैरह सेट करवा के फिर बाकी कल के सीन्स आपको दिखाते हैं भाई वो टायर रख लिए ठीक है आप नजर भी आ रहे होंगे पीछे ये टायर है एक दो तीन चार और ये पांचवा टायर ये बैठा हुआ है लेकिन ये थोड़ा फ्री फर्क हुआ है टायर ये कोने पे आईफोन के साथ टच हुआ है ना बिल्कुल ये टायर थोड़ा फर्क हुआ है आईफोन के साथ टच इसको चेक करा पीछे देख और इसको मैं इतना फेरूंगा फेर के फाड़ दूंगा मैं ग्रिप
गाड़ी बंद करा दिया उसका सा रोक गई यार भाई ये रिवर नहीं है जो आप जिस तरह रफ वो बैटरी गई लाइट ऑन थी लाइट ऑन तो ऑन थी भाई भी जाके दाढ़ी सेट कराते हैं भाई बहुत चाऊ बने हुए सुना क्या कह रहा है ओए मैंने दाढ़ी सेट करवानी है यार कैसा बंदा है वो भी जा रहा है देख दाढ़ी सेट करानी है भाई दाढ़ी सेट करवानी है तू किधर जा रहा है तो गाड़ी उसको दे दे तू इधर रुक जा तूने किधर जाना है मुझे काम है घर अच्छा रुक जा फिर टायर घर पे निकालूं मैं फिर ये दाढ़ी नहीं सेट करवाने दे रहे यार अजीब भेदभाव कर रहे इधर बैठे कर रखूं इधर है वो भाई दाढ़ी नहीं सेट करने दे रहे ये मुझे रोना आ रहा है घर पे बैठे मेरे साथ आए क्या हाल है ये दिल है बच्चे मन के सच्चे आ रहा हूँ यार अब नजर आ रहा होगा नहीं आ रहा मुझे ओ भाई इस साइड से आओ क्या है ठीक फिट हो मैं क्या वाजे पता नहीं कौन मार रहा है रिम आए न्यू टायर भी आया आप कौन ने रोका था रिम भी नहीं है गाड़ी में टायर पड़े ये घर जा रही हो ये आप कौन ने रोका था हाँ किधर इधर हम खड़े हो टायर में गाने लगे हुए मुझे आवाज नहीं आई होगी हम इतनी देर से बोली जा रहे थे चैटी भाई रुके नहीं मुझे आवाज नहीं आई अभी हम भाई निकले हैं क्या हुआ गाड़ी कितनी ऊंची आवाज की निशानी हाँ ये भी है शो है ना कल ऑटो शो है ऑटो शो किधर है कल ऑटो शो है इधर सब नहीं है ना यार एक बच्चा मुझे इसमें बहुत पसंद है जो व्हील चेयर वाला है ठीक है इसके लिए मैं स्पेशल जाता हूँ यहाँ पे ठीक है मतलब कभी मुझे आवाज आई मैं को पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है वैसे ही खैर वो खड़ा हुआ था तो मैंने कहा मैं जाऊँगा लाजमी जाऊँगा इस बच्चे के लिए खाली मैं जाता हूँ बाकी ये क्या और अभी जाना है जगह पे वहाँ से टेबल वगैरह लेने हैं और एक टेबल है मेरे ख्याल में और तीन शीशे लेने हैं वो लेके तो उसके बाद उनसे दाढ़ी सेट करवानी है रात को नहीं करवा पाया लेट हो गया था तो जाते हैं जाके तो पहले ये काम करके चार्ली को फ़ोन करता हूँ अगर आता है वो तो फिर देखते हैं क्या चक्कर होता है यार एक और बुरी चीज़ ये हुई है ये देखो ये उतर गया रात को मैंने टायर निकाले हैं ये उतर गया भाई अब पता नहीं क्या ये लगेगा भी कि नहीं लगेगा क्योंकि लगी ना लगा तो फिर बहुत बुरी लगती है गाड़ी ये सामने पड़ा हुआ गाड़ी की हालत देखो यार क्या नहीं भी है शो है भाई बल्कि इसका सॉल्व भी काम नहीं करता यार अब क्या कह रहा था समझ नहीं आ रही अभी इसका सेल्फ भी नहीं काम कर रहा और ये गंदी भी बहुत हुई हुई है और साफ भी कराना है अभी अब भाई चार्ली को फोन करते हैं पहले क्या चक्कर है सोया हुआ होगा यकीनन भाई ये सोया हुआ है ठीक है अब फोन नहीं उठा रहा क्या कर रहा टाइम हुआ 11 का ठीक है और मैं फुल नींद से उठाऊँ पता नहीं क्या चक्कर है यार आओ आपकी कोई गाड़ी चेक करता हूँ यार गाड़ी चार्ली की गाड़ी है ठीक है अगर आप लोगों को नज़र आ रही हुई तो ये लो फुल 50 इसने कुत्ते ने पेपर लगाया हुआ ठीक है और गाड़ी में कुछ आर पार नज़र नहीं आता ना ये बाहर से नज़र नज़र आता है ना अंदर से बाहर नज़र पता नहीं चलाता कैसे है अब मैंने एक भी नहीं लगाया हुआ पता नहीं क्या यार मुझे मैंने कभी नहीं मतलब फ्रंट पे नहीं इतना लगवाया लेकिन इसने लगाया हम भी लगा के देख लेंगे बाकी चलते हैं अभी कुछ स्टार्ट करते हैं धक्का स्टार्ट है अजीब चक्कर है फिर कसल भी ठीक कराना यार आज गई
यार ये तो बंद है यार। अब भाई ये है कि फिर पहले इसको गाड़ी को सर्विस करवा लेते हैं, बल्कि इसका सर्फ ठीक करवा लेते हैं और वॉश करवाते हैं, अब तक ये भी खुल जाएगी। ये भी बंद है यार, क्या चक्कर है आज? मैं मतलब इतना भी जल्दी नहीं उठा, पता नहीं क्या चक्कर है। ये नीचे भी बंद है, ऊपर भी बंद है। अच्छा ये खुला। चाचा जी एक मिनट इधर आए ना। अभी तकरीबन रेडी हो गई है, ठीक है अब बस निकलते हैं यहाँ से और जाके जुम्मे की तैयारी करते हैं। उसके बाद जुम्मे के बाद फ़ौरन बस निकलने वाली करनी है, क्योंकि टाइम मेरे ख्याल में उन्होंने 3 से 6 का दिया है। बाकी ये है कि जुम्मा पढ़ते हैं जाके तैयार होके, उसके बाद निकलते हैं बस। फॉर्चुनेटली दाढ़ी बस ठीक करवा ली थी यार। मैं तकरीबन कितनी बार इस ब्लॉग के अंदर मैं बोल चुका हूँ दाढ़ी 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 दाढ़ी, तकरीबन मैं कोई 100 बार तो बोल चुका हूँ। फिर दोबारा दाढ़ी अभी जाता हूँ, जाते वही करवाते हैं पहले ना लिया। ठीक है फ्रेश हो गया, अभी जुम्मा पढ़ने आए हुए कपड़े मैं पहन लेता हूँ, अभी जाके फिर ऑटो शो के लिए अच्छे से तैयार होते हैं। क्यों नहीं हुई अपने आप के साथ चंगे पटाखे हो यार। अभी जुम्मा पढ़ते हैं उसके बाद FU नंबर है। तुमने चंगी बात कर दी यार, अभी मैं अगर किसी को इंग्लिश आती है फिर वो क्या करेंगे। निकल गए हैं ठीक है ऑटो शो के लिए तैयार होकर, रेड पहन लिया आपके भाई ने, गाड़ी पर्पल है कपड़े मैंने रेड पहन लिया। अब ये चार्ली साहब हमारे साथ है, अहमद अब ना रहा था तो उसको ले नहीं सके, तो हम लोगों ने लेके जाना था। बाकी ये सीन है कि अभी गाड़ी जब जान मतलब कॉलेज है उसके बाहर खड़ी कभी धुलवाई थी, फिर बारिश आ गई थी हल्की हल्की, तो गाड़ी फिर हल्की फुल्की गंदी हो गई है। अब ये है कि शो जहाँ पे है मतलब कि उससे पहले गाड़ी खड़ी करके साफ शाफ करके फिर अंदर चले जाएंगे, ठीक है ना भाई? ओ ऐसा वैसा लोगों को हमने थोड़ा दिखाना है कि पेंट जो कैसे हुआ है, हमने ये दिखाना है गाड़ी घूमती किस तरह, गाड़ी घूमती किस तरह है। ये बात तुमने पता किस तरह की है, किस तरह अरबी करते हैं। ये बात तुमने अच्छी की है। अभी जाके भाई तो जाके गाड़ी साफ करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। और गाड़ियां वहां पे आई नहीं भाई, ये खड़ी है हमारी गाड़ी, ठीक है रश काफी है। और कहते हैं ड्रिफ्ट का कुछ सीन नहीं है, अब ड्रिफ्ट ना हो तो फिर हम लोग इधर क्या करें, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। क्यों भाई मजा नहीं आता, चश नहीं आती ना, ना। भाई ड्रिफ्ट ना करने दी, हम निकल जाएंगे, बात खत्म। साथ भाई है, साथ खुद है निशान में। हाँ अतीक किधर किया पता नहीं, बता दिया ऐसा लग रहा है मैं कहना खड़े गाड़ी के पास बोर्ड खोल के ठीक कर रहे ना, ठीक कर रहे चेक कर रहे किसी लगी भाई। सीन्स ये है कि गाड़ियाँ जिनशू वाली भी हमें ज्वाइन कर दी है, देखो ये बंदा है पटाखे मार के कहता है किसने पटाखे मारे हैं। अरे वाह ये देखो रही नहीं बात है किसने अलाउड नहीं चाहिए, लेकिन अगर सर ये हम गाय भी हो जाए ना फिर भी ड्रिफ्टिंग जगह नहीं मिलती यहाँ पे कोई भी गाड़ी। अब ये गाड़ियाँ ना यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी गाड़ियाँ हैं, सारी ये सारी परफॉर्मेंस की जा रही है। अब हम लोग इनको खड़ा कर क्या करें, जब हो जाएगा ना तब बैठ में चाहता हूँ वो बैठे कार विच मेरे चुन मेजे यार I'm gonna make you mine।
यार भैया अभी शो से वापस आए हैं, ठीक है। आप लोगों के सामने सारे सीन्स आप लोगों ने देख लिए होंगे, ठीक है। बात यह है कि मतलब कि हम शो पे गए थे, टायर ख़त्म हो गए थे, अभी टायर मेरे पास थे, कल लिए थे, तो वो डलवाए हैं। वो डलवा के तो अब बस निकल रही हैं, टैंकी में पेट्रोल डलवाया, बस थक गए यार, बहुत सुबह का गया हुआ था। अब आप लोगों को भाई एक बार बताता हूँ, मैं
शो पे भाई सीन आपको आप समझ नहीं आप लोगों को आई होगी कि क्या चक्कर है क्या नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ जब मैं गाड़ी मतलब कि ड्राइव कर रहा था, वो भाई सीन ये था कि यार वहाँ पे जहाँ पे हम लोग ऑटो शो था वहाँ पे था आर्मी का, मेरे ख्याल में कैंट था, आर्मी का एरिया था वो सारा, और उसको आर्मी ही प्रोटेक्ट कर रही थी, और पूरे शो के मतलब के अंदर मतलब के जो बंदे थे जो मतलब उधर सिक्योरिटी टाइप वो भी सारी आर्मी की थी, और इंतज़ामिया वगैरह सारे आर्मी की भी थी, बीच में एचएसी वाले भी थे साथ, भाई भी थे वहाँ पे, क्योंकि शो पे ये सीन था कि ना घुमा सकते थे ना रेव कर सकते थे, पटाखे तो बहुत दूर की बात, ड्रिफ्ट भी बहुत दूर की बात, मतलब कि वो कुछ भी नहीं कर रहे थे गाड़ियाँ, बस उन्होंने कहा बस डिस्प्ले में आप लगाओ क्योंकि आर्मी का एरिया है तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते आप। मैं कहा ठीक है भाई, वो थोड़ी सी इंतजामिया साइड भी हुई तो मैंने ड्रिफ्ट कर दी। अब मैंने ड्रिफ्ट की भाई, मैं उधर एक शो पे मैं गया हूँ ठीक है, वहाँ मैं ड्रिफ्ट नहीं कर रहा तो मेरे जाने की गाड़ी के मेरे लेके जाने का मकसद नहीं बनता। खैर मैंने ड्रिफ्ट की ठीक है, पब्लिक को मतलब ये हुआ कि भाई कोई आर्मी के डर से मतलब कि लोग ड्रिफ्टिंग नहीं कर रहे, रेस नहीं कर रहे, मतलब कि रेस वगैरह नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, गाड़ियाँ इनफैक्ट स्टार्ट भी नहीं कर रहे ठीक है, और मैंने जो उनसे वो ड्रिफ्ट की है वहाँ पे डोनट मारा ठीक है, जब एक डोनट मैंने मारा तो काफ़ी वहाँ मतलब खुश हुई है, और उसके बाद के दिन भी आपने देखे इस तरह मुझे मतलब जाने नहीं दे रहे थे, मतलब वहाँ शो से मुझे जाने नहीं दे रहे थे, वहाँ सारी बात है भाई ड्रिफ्ट की ठीक है, वहाँ पे किसी बंदे ने ड्रिफ्ट नहीं की, डोनट मतलब डोनट किसी ने भी नहीं किया ठीक है, मैंने किया और टायर खत्म भी किया, वो भी आप टायर की भी कंडीशन देख लो, बहुत सारे लोगों ने इन्जॉय किया होगा जो तो शो पे आए थे मिले हैं, थैंक यू सो मच यार, बहुत आप लोगों ने रिस्पेक्ट और लव दिया भाई, और आगे भी करते रहना सपोर्ट करते रहना भाई, चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना।